हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका निर्दोष शर्मा मैथ्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ्स में फॉर्मूले का बहुत महत्व होता है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको हर क्षेत्र में, हर क्लास में और हर सब्जेक्ट में सफलता की गारंटी देता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के फॉर्मूले ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस के क्या फॉर्मूले हैं? देखिए, इस फॉर्मूले के तीन पार्ट हैं और फॉर्मूला है RCP। RCP यानी R फॉर रेगुलरिटी, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड P फॉर प्रैक्टिस। अब हमें तीनों जो पार्ट्स हैं फॉर्मूले के, हम इन तीनों को आपको विस्तार से चर्चा करते हैं और बताते हैं कि इनके माध्यम से आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, रेगुलरिटी, आपको रेगुलरिटी शो करना आवश्यक है। चाहे आप कोई भी क्लास कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आपको रेगुलरिटी रखनी है, अर्थात निरंतरता आपको बनाए रखनी है। आप जो टीचर से आप क्लास लेते हैं उनके पास रेगुलर जाइए, उनकी क्लास रेगुलर लीजिएगा और रेगुलरली आप ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाइए। अगर आप रेगुलर नहीं होते, अगर आप कोई क्लास स्किप कर देते हैं या किसी क्लास को आप छोड़ देते हैं, तो आप आगे आप उससे आपको काफी नुकसान हो जाता है, आगे के कॉन्सेप्ट समझने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स आपको एकाग्रता रखनी है, यानी जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं चाहे ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, आपको उसको कॉन्सेंट्रेट होकर बहुत ही ध्यान से उसको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। देखिए, होता क्या है बच्चों, अगर आपने रेगुलरिटी भी रखी, रेगुलरिटी आप रखते हैं और क्लास में जाकर के आपका ध्यान टीचर्स पर नहीं होता है, आपका ध्यान मिस्चीवियस एक्टिविटीज में होता है या एक दूसरे को टीज करने में होता है, तो इस तरह से अगर आप ध्यान लगाते हैं और टीचर्स की बात में ध्यान नहीं लगाते हैं, टीचर्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, तो फिर आपकी रेगुलरिटी भी बेकार हो जाएगी। यानी तीनों फैक्टर आप देखेंगे, तीनों फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट है, अगर एक भी मिस होता है तो बाकी दोनों भी खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन शो करनी है, यानी जो टीचर समझा रहे हैं उसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही एकाग्र होकर उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो इसके बाद आता है प्रैक्टिस। अब देखिए, प्रैक्टिस, ये जो प्रैक्टिस है, आप लोगों को बताया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करने जा रहे हैं। मॉडिफाइड कैसे करने जा रहे हैं, हमें प्रैक्टिस तो करनी है। अब देखिए, आपको टीचर्स बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप, लेकिन बच्चा प्रैक्टिस किस चीज की करे, बोलते रहते हैं सब लोग कि प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस तो बच्चा तब कर पाता है जब उसे कुछ समझ आता है। जो समझ आएगा उसी चीज की तो प्रैक्टिस करेगा बच्चा, और अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस किस चीज की करेंगे। तो देखिए, अगर आप रेगुलरिटी और कॉन्सेंट्रेशन शो करते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपको प्रैक्टिस करने में मन लगेगा और प्रैक्टिस भी आपकी बहुत ही इजी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सपोज करिए आपने रेगुलरिटी भी की, यानी आप रेगुलर आपने क्लास अटेंड की है, कॉन्सेंट्रेशन किया आपने, वहां पे जाकर के टीचर्स को समझा भी है काफी अच्छे से, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको काफी अच्छे से समझा, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, उसका अभ्यास नहीं किया है आपने, ठीक है, तब भी आपके दोनों जो फैक्टर हैं वो दोनों बेकार हो जाएंगे। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, आपको रेगुलरिटी करनी है, कॉन्सेंट्रेशन करना है और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं RCP, आपको डेली सोचना है, आपको शाम को रोज सोचना है कि हमने कोई सा फैक्टर मिस तो नहीं कर दिया है। तो इस तरीके से अगर आप ये तीनों फैक्टर को रोज अपने प्रैक्टिस में लाते हैं और आप अपनी आदत में इसको शुमार करते हैं, तो नो डाउट सफलता आपके कदम चूमेगी। और देखिए, कोई भी सब्जेक्ट और किसी भी सब्जेक्ट में और किसी भी टॉपिक पर, किसी भी क्लास में है, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप ट्वेल्थ में है, चाहे आप टेंथ में है, चाहे 6, 7, 8 किसी भी क्लास में है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर आप RCP को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली द सक्सेस विल बी इन योर हैंड। आप सक्सेस आपकी मुट्ठी में होगी और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो ऐसी ही बहुत आगे की वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर के आएंगे वो कैरियर गाइडेंस पर होगी।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।